से इनिशिएटिव उठाते हैं और एक अच्छी जेन्युइन स्पिरिट के साथ इन्हें निभाते हैं। तो मैं श्री सुनील राणे साहब को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा, क्योंकि यू नो ये आसान नहीं है। हम लोग सब कहते हैं, हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन वक्त आने पे ना सब बिखर जाते हैं। और राणे साहब अपने इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, अथर्वा फाउंडेशन के ज़रिए, यू नो जो सिपाही जो इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं बॉर्डर पे, जो इतने यू नो डिफ़िकल्टीज उठाए हैं हमारी एक फ्रीडम के लिए, ताकि हम यू नो जी जान से रह सके, अच्छी तरह से रह सके, यू नो उनको इतना फुटेज नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। और यू नो देशवासी होने के नाते मुझे लगता है कि यू नो ऐसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करके हम इन चीज़ों को इमॉर्टलाइज करेंगे, जैसे कि अगर यू नो हम हमारे माध्यम से अपने हीरोज़ के बारे में कुछ पिक्चरें बनाएं, कुछ ऐसे यू नो कुछ ऐसे करें जाके हमारे हीरोज़ जो हमारी असल में जो हीरोज़ हैं, यू नो जो भी हमारे साथ लड़ाई करें उसके साथ असल उत्तर वापस दें, यू नो तो मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो कमी रही हमारी हमारे इस देश में। और सुनील राणे साहब अपने फाउंडेशन के ज़रिए, अथर्वा फाउंडेशन के ज़रिए इसको निभा रहा है और यू नो जो गैप है उसको कम कर रहा है। और मैं बहुत बहुत मतलब सीरियसली कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। और यू नो एक सवाल किया गया था यहाँ पे कि यू नो स्टेट इतना क्यों नहीं कर रहा है अपने सिपाहियों के लिए, अपने यू नो फौजियों के लिए। यू नो ये बहुत ही नेगेटिव क्वेश्चन है। अभी देखो इतने सारे लोग यू नो ये इनिशिएटिव खुद निकालना चाहते हैं, खुद निभाना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करना हमारी ज़रूरत है। यू नो माँ अपने बेटे से हमेशा यही कहती है कि बेटा देखो इज्जत कमाओ, पैसे नहीं। यू नो वो नहीं बोलती कि पैसे कमाओ, कितना पैसे कमा रहे हो, बोलता इज्जत कमाओ। और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव से ना जितनी इज्जत मिलेगी और जितनी यू नो दिल को जीतेंगे करते करते, और फौजियों के साथ यू नो जो नाइंसाफी हो रही थी इस वक्त तक, वो सब यू नो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। और इन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनके इनिशिएटिव्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और एवरी इंडियन शुड स्टार्ट यू नो गोइंग बैक टू हिस्ट्री, रीडिंग अबाउट सम ऑफ द सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स एंड सम ऑफ द सोल्जर्स हु हैव fought battles, and you know we as entertainers, I'm sure we're going to make movies on this. In fact, I am right now in the middle of scripting 1965, the Siege of Lahore, which is the biggest tank battle that ever happened on Asian soil. And I'm absolutely honored to be amongst you know Mr. Patil, Brigadier Patil, who has fought a war. You know, genuinely, he has been across borders and he has seen things that none of us have ever experienced or could ever experience. Deeply touched. Matlab, I have attended a lot of events as an actress, but this feeling that I'm carrying today is thanks to Sunil Rane ji, Atharva Foundation. It's a beautiful, beautiful cause. We listen to the stories of the heroes who have given up their lives protecting us, all the families who've lost their loved ones protecting us, so that we have a happy life here, enjoy our life, which is, you know, this normal life. But for the people fighting, the soldiers fighting for us, I think their lives are completely different. I mean, I'm deeply, very, very emotionally moved, and the service that Mr. Sunil Rane ji is providing by educating their children, the girl child, and at the same time giving them support financially. And he's actually hunting out all the stories of the of the survivors, at the same time of the people who've lost their lives. So I really applaud Atharva Foundation, and as an actress, I think today for me this is a different experience and an exposure. All I say is I'm honored being a part over here, and our heroes are right there with like Jagmohan ji, and I'm deeply honored that I even could, you know, stand next to them. Thank you so much, and once again I applaud Sunil Rane ji. Great work, sir. And I really request all you people, like he rightly pointed out, even we as every individual could contribute a little bit for this great cause. So if we all also become more aware and put forth
our actions and our help. I think a great, great deal of help could be done to all the armed forces. अथर्व फाउंडेशन की ओर से आज एक वार्तालाप का आयोजन हमने किया था. आप सभी जानते हैं 31 जनवरी 2019 को पुनः एक बार अथर्व फाउंडेशन अपने शहीद जवानों की अनसुनी कहानियां या अनसुनी गाथाएं सुनाने के लिए पुनः एक बार NSCI के स्टेडियम में 25,000 लोगों के साथ उपस्थित होगा. और मुझे ये जाहिर करते समय बहुत खुशी होती है कि इस बार 31 जनवरी 2019 को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति सम्माननीय श्री वेंकैया नायडू जी उपस्थित होंगे. आदरणीय श्री गडकरी जी इस कार्यक्रम में अतिथि होंगे. माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस होंगे. उसी के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ आचार्य जी भी उपस्थित होंगे. आज आप सभी ने देखा कि हमने एक नया कार्यक्रम शुरुआत की है कि हमारे देश के शहीदों की बेटियों को हमने कंप्यूटर देने का कार्यक्रम आज शुरू किया है. पहले 100 कंप्यूटर का वितरण आज से शुरू हो गया है. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से 100 कंप्यूटर्स, कांडला पोर्ट ट्रस्ट की ओर से 100 कंप्यूटर्स और जैन पोर्ट ट्रस्ट की ओर से 100 कंप्यूटर्स, यानी 300 लैपटॉप का वितरण आज से शुरू हो गया है. मैं मानता हूँ कि देश में शहीदों ने किया हुआ काम, ये देश आज सुरक्षित है क्योंकि हमारे जवान, हमारे पुलिस, हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन सभी जाबाज सिपाहियों से अपना देश सुरक्षित है. और ये कार्यक्रम हम जो करने वाले हैं, ये देश के शहीदों के नाम ये कार्यक्रम होगा. जैसे मैंने कहा कि 300 की सूची तो जारी हो चुकी है. पहले 100 हमने अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग गांव में से, अलग अलग जिलाओं में से उसकी सूची हमने जाहिर की है. मुझे लगता है करीबन आने वाले 6 महीनों में हम 1,000 तक पहुँचेंगे. सपोर्ट नहीं करती ऐसा नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने शहीदों के लिए बहुत मदद करती है. शहीदों को मदद करने के बारे में कोई भी सरकार कभी भी पीछे नहीं रहती. जो प्रश्न उठाया गया था वो ये था कि मदद और होनी चाहिए, जिसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि शहीदों के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मदद हो जाए. जैसे पहले मैंने कहा था कि ये साल 2018 में हमने जनवरी में महाराष्ट्र में शहीदों को 8.5 लाख रुपए मिलते थे. हमने वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांग मान्य करते हुए उसको 25 लाख किया था. आने वाले 31 जनवरी 2019 को भी हम नए सिरे से मांग करेंगे कि हमारे शहीदों के ऊपर राज्य की सरकार नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है.